बोले चंबल का हमारा कारवां पहुंच चुका है शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा। यहां पर भी उपचुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो करेरा विधानसभा सीट में क्या हैं मुद्दे और प्रत्याशियों के लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं उनके, किन लोगों को वोट करेंगे और क्यों करेंगे, इन सब ये सब सारे वही सवाल हैं अपनी जगह और लोगों से जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है आपके करेरा विधानसभा में। करेरा विधानसभा में जनता आप देख रहे हैं इस दिनारा में ना तो बस स्टैंड है और पूर्व विधायक को जनता ने चुना था कि विकास कार्य करेंगे, मंडी बनाएंगे, इस तरीके सब्जी की ठेला यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ बस स्टैंड है और उन्होंने जनता की जब जनता उनके पास अपनी समस्याएं लेके जाती थी तो ना उनकी समस्याएं सुनते थे ना उनका निराकरण करते थे। आज जनता में रोष है और उनके प्रति इतना आक्रोश है कि उन्हें कोई जनता वोट देने की इच्छुक नहीं है। और क्या कमी है दादा, यहाँ क्या क्षेत्र में क्या काम नहीं हो रहे हैं? क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है, देख तो रहे आप आके यहीं देख स्वयं मौजूद में देख रहे हैं कोई काम नहीं है। तो पे किन मुद्दों पे आपने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और वो कितने खरे उतरे? बिल्कुल खरे तो बिल्कुल उतरे हैं, चाहे किसान के बारे में हो या शिक्षा के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, सड़क के लिए हो, तो कांग्रेस तो उनको खरी उतरी थी। लेकिन अब वो किस प्रकार से सरकार को गिरा दिया गया है तो पुनः अपन सरकार बनाएंगे कांग्रेस की और जो मुद्दे शेष रह गए हैं उनको कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी करेंगे। क्या समस्या है बताइए बताइए। पब्लिक सिटी होने के बाद भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे कम से कम 50 गांव की जनता आती है फिर भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है। लोगों को तालाब पर या कहीं बाहर जाना पड़ता है, परेशान होते हैं, ना कोई लेटरिन की बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। कई दिनों से मांग कर रहे हैं, ये डिग्री कॉलेज की मांग चल रही है, यहाँ पर पानी की मांग चल रही है, सार्वजनिक शौचालय की बात हो रही है, सारी विधानसभाओं में लगभग यही मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे अपनी समस्याएं जो हैं वो यथावत हैं, लेकिन जो उपचुनाव का मुद्दा है वो प्रत्याशी पर ही पूरी तरह से आश्रित है। लगातार हम करेरा विधानसभा में लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उपचुनाव किन मुद्दों पर होगा और यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि माननीय शिवराज सिंह के जी के नेतृत्व में किसान, गरीब, बेरोजगार, महिला, आदिवासी महिला सभी का ध्यान रखा जा रहा है। पिछले 15 महीने की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है उन्होंने यहाँ ना तो किसान की चिंता की, ना गरीब की, ना युवाओं की चिंता की, इसलिए यहाँ कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ से माननीय जसमंत जाटव चुनाव जीतेगा। क्या करते हो भैया? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? क्या कहाँ तक पढ़े हो? मैं BA किया है और ITI की है। क्या है युवाओं की समस्या की अगर हम बात करें तो? युवाओं की समस्या यही है कि बेरोजगारी पहली है और क्या है, पढ़ लिख के भी क्या कर लेते हैं युवा, बेरोजगारी ज्यादा है। पढ़ लिख के कर क्या लेते हैं? कुछ नहीं, सब लोग परेशान हैं आगे, या उधर 2-4 हज़ार का जॉब करते हैं, कोई बाहर जाके जॉब करता है, यही युवा क्या होता है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं? क्या व्यवस्था है? मैंने मांग नहीं करी कभी कि ऐसी व्यवस्था करें। ऐसे मांग करने से क्या होता है, जनता मांग ही करती है, अभी तक किसी के पूरा हुआ मांग? क्या कह रहे थे? मांग किसी की पूरी नहीं होती, क्या पूरी होगी, किसी को वोट देते थे किसी को नहीं देते, सब अपना मन का करते हैं। अच्छा, ऑटो चालकों को कोई वो नहीं है, कोरोना में इतना परेशान हुए किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ, ऑटो वालों को सबके लिए मतलब हर चीज का वो मिला, हमारे लिए कोई वो फायदा नहीं मिला। कोई कह रहा है इधर करो, कोई कह रहा है वो करो, कोई कह रहा है जे करो, उसके पीछे ही फिरते रहे लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। हमारे साथी नरेंद्र हमारे साथ में लगातार हैं, हम इनसे भी कुछ बात करते हैं। नरेंद्र, ये जिस तरीके का माहौल अभी हम देख रहे हैं, जिस तरीके का क्षेत्र में अभी हमने भ्रमण किया, हालांकि ज़्यादातर सीटों पे हमने यही देखा कि लोग प्रत्याशी को ही मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप, क्या कैसे देखते हैं इस सीट को, आप कैसे देखते हैं, आपका काफ़ी बारीकी से आपने इसको पढ़ा है, इस विधानसभा सीट को कैसे लगा? देखिए अंचल जी, अगर करेरा सीट की बात करें तो यहाँ का जो चुनाव है वो पूरी तरह से दोनों दल से दल बदल के जो नेता आ रहे हैं उनके बीच माना जा रहा है, लेकिन बसपा ने इस बार नया प्रत्याशी दिया है तो लोगों को उम्मीद ये है कि दोनों दल, कांग्रेस में जो अभी नेता पहुंचे हैं वो बसपा को छोड़ के पहुंचे हैं और BJP में जो नेता आए हैं वो कांग्रेस को छोड़ के आए हैं, तो उनको प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, यहाँ की नया कैंडिडेट है, लोगों ने
लोगों के पास सिंपैथी भी है लोगों के पास कि तीन बार एक प्रत्याशी जो चुनाव हारा है कहीं ना उसके साथ, लेकिन 15 महीने का जो कार्यकाल है कांग्रेस काल में उन्होंने किया है जसवंत जी ने, उसको भी लोग दे रहे हैं। मुद्दा क्या होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है, हो सकता है कि इसके पहले भी माहौल बदल जाए। लेकिन अगर हम बात करें कि जातिगत आधार पर अगर वोट की बात करें तो उसकी क्या स्थिति, आप अभी बता रहे थे कि जाटो वोट यहाँ पर निर्णायक स्थिति में है और तीनों ही पार्टियों ने लगभग जाटो को ही तय किया अपना प्रत्याशी बनाया। जी बिल्कुल, यहाँ जाटव मतदाताओं की अगर बात करें तो लगभग 50,000 मतदाता जाटव समाज से यहाँ है, लेकिन इसके अलावा भी और जो दूसरे समाज हैं, रावत समाज है, यादव समाज है, ब्राह्मण समाज है या लोधी समाज है, इनके वोटर भी निर्णायक भूमिका में हैं क्योंकि 10 से 15 हज़ार के हर जाति के मतदाता यहाँ हैं। अगर जाटव की बात करें तो चूंकि 3 जाटव प्रत्याशी चुनाव में यहाँ मैदान में हैं तो जाटव वोट बैंक यहाँ बटेगा और जो अब जीत हार का फैसला होगा वो दूसरी समाज करेगी। वो विकास की कितनी बात जो हो रहा है अभी, विकास की बात करें तो विकास के नाम पे कररा में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। बात करें तो यहाँ बच्चों के लिए पार्क नहीं है, लोगों के लिए शाम को घूमने के लिए पार्क नहीं है। सड़कों की हालत करें तो यहाँ से बेतरवार की बात करें या सुनारी की मार्ग की बात करें, दोनों की सड़कें बहुत जर्जर हालत में हैं। यहाँ खेल मैदान की बात करें तो कौन सी रैया अभ्यारण्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के, सोन चिरैया अभ्यारण हर चुनाव में यहाँ मुद्दा बनता है। नेता आते हैं, सपने दिखाते हैं, सोन चिरैया यहाँ नेताओं के लिए सोने की चिड़िया साबित हुई है हर चुनाव में। इस बार के चुनाव में भी सोन चिरैया के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, जनता को लुभाया जाएगा। तो ये हमारे सहयोगी नरेंद्र हैं जो करेरा की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बता रहे थे कि जब भी चुनाव आते हैं तो सोन चिरैया अभ्यारण यहाँ पर हमेशा मुद्दा रहा है और कई बार वादे भी किए गए कि सोन चिरैया अभ्यारण का मामला खत्म भी हो गया है। हमारे साथ एक भाई जान है, आपसे भी बात करेंगे, क्या है आपके क्षेत्र के मुद्दे, क्या लगता है आपको वास्तव में आज तक करेरा के साथ किस तरीके का न्याय जो होना चाहिए था नहीं हुआ या फिर सब कुछ ठीक ठाक है? आज तक जो है कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ जो जनता के हित में होना चाहिए। यहाँ पे सब्जी मंडी की समस्याएं हैं, बाथरूम की समस्याएं हैं, बस स्टैंड की समस्याएं हैं, सब दूर हैं। यातायात के साधन हैं तो 2 किलोमीटर अस्पताल रखा है, 2 किलोमीटर का जो है 200 रुपये 2 सीटर वाला मांगता है। ये व्यवस्थाएं प्रशासन की हैं या पब्लिक की हैं? जनता चाहे सो और चाहे जगह चाहे कुएं में गिरे, कोई लाभ नहीं साहब जनता का, ना जनता के हित की कोई बात करना, ना जनता के हित की कोई सुनना। शिकायत भी करो तो किससे करो, कोई भी नहीं सुनता सर, कोई व्यक्ति नहीं सुनता कोई। ये है करेरा विधानसभा जहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर किसी भी तरह के विकास कार्य नहीं हुए, कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों ही दलों से लोग यहां पर रुष्ट हैं। जाटव मतदाता यहां पर निर्णायक स्थिति में है, लेकिन तीनों ही भाजपा कांग्रेस और बसपा जो तीनों ही पार्टियां हैं प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने जो प्रत्याशी है वो जाटव ही बनाए हैं। ऐसे में ये जो वोट है जो निर्णायक वोट हैं वो कहीं ना कहीं विभाजित होते भी नजर आ रहे हैं, तो चौथे की भी का भी चांस यहाँ पर, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे और आम लोगों से भी हम बात कर रहे थे, तो मुद्दे अपनी जगह हैं, समस्या अपनी जगह है, लेकिन लोगों की अपनी राय अपनी जगह है। बोले चंबल कार्यक्रम में आज सिर्फ इतना ही, कल 2 नई विधानसभाओं के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत, नमस्कार।